जी, वैसे आप कहते हैं दिनेश जी कि लोगों को अपनी गायकी में या फिर गानों के चूज में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, आपने कही है बात, लेकिन आपने तो बाकायदा बीजेपी का एक प्रमोशनल सॉन्ग गा दिया जी। अभी हाँ और वो अभिनेता निरहुआ का गाना तो पता ही नहीं लगता है मुझे, वो नेता निरहुआ का गाना हो सकता है जिसमें आएंगे योगी जी, दोबारा जो गाना है वो गाना, आपने तो बाकायदा पूरी एक पार्टी का महिमा मंडन कर दिया, आपने एक पार्टी को एक हमारे जो मुख्यमंत्री है उनकी तारीफों पे कुल बात दे, तो वो फिर कैसे सही है? हाँ, वो कैसे सही वही बताता हूँ। जी देखिए, मैंने पहले ही बोला कि जब आप की जिम्मेदारी सिर्फ आपके परिवार की है जी, या अपने गांव की है या अपने बिरादरी की है, तो आप उस दायरे में रहिए चलेगा, पर आपको जो पूरा देश देखने लगा, जो पूरा देश सुनने लगा, तो अब आप वो बात करिए जिसमें पूरे देश का भला है जी। और मैं एक नेता बनके, मुझे पता है कि मैं पूरे देश का भला नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे ये पता है कि इस देश का भला कौन कर रहा है, तो मैं उसके साथ तो खड़ा हो ही जाऊंगा। अगर मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊं तो भी मैं सही दिशा में हूं। अगर मुझे दिख रहा है कि योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से पूरे गुंडागर्दी को साफ कर दिया, माफिया को साफ कर दिया, कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दिया, कोरोना जैसे महामारी में मतलब घर घर में राशन आज तक चल रहा है, कोरोना काल में घर घर में फ्री राशन जिन्होंने दिया, आप देखिए पूरे भारत में वैक्सीनेशन में भी नंबर वन बना दिया यूपी को, तो इस तरह का अगर कोई सीएम है जो हमारे प्रदेश को इतना अच्छा करके दे रहे हैं, तो मुझे लगता है उनके साथ मुझे खड़ा होना चाहिए। ये मेरी एक हिंदुस्तानी होने के नाते भी जिम्मेदारी है और एक यूपी का नागरिक होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी है जी। वैसे इन जितनी चीजें आपने मुझे बताई, इन सारी चीजों पर डिबेट हो सकती है, इन सारी चीजों पर बहस हो सकती है कि कोरोना में चाहे नंबर वन टीके की बात हो, चाहे घर घर राशन पहुंचाने की बात हो, चाहे अपराध खत्म करने की बात हो, इन हर हर इस मुद्दे पर, हर एक टॉपिक पर बहस हो सकती है और इसमें बहुत सारी चीजें दूसरी भी आरोप लगाए जा सकते हैं। लेकिन दिनेश जी, आपने योगी जी के लिए गाना गाया जिन्हें की अब तक मुझे नहीं पता कि बीजेपी ने उन्हें आधिकारिक तौर पर सीएम का उम्मीदवार घोषित किया है या नहीं, अगले साल उन्हें सीएम कैंडिडेट तौर पर प्रेजेंट किया जाएगा या नहीं, ये सारी चीजें अब तक जब पार्टी नहीं कह रही है, तब आप उन्हें क्यों दोबारा सीएम घोषित करना चाहते हैं उम्मीदवार से पहले? तो मैं कहां कह रहा हूं कि मैं पार्टी की तरफ से घोषित कर रहा हूं, मैं अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हूं ना, एक उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं मैं जी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला हूं, और जब मैं आज अपने उत्तर प्रदेश को देखता हूं तो ये मेरे दिल की आवाज है कि फिर से योगी जी ही चाहिए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को इतना सुरक्षित बना दिया कि कल तक जब मैं मुंबई से किसी से बात करता था कि चलो हम लोग चलते हैं यूपी शूटिंग करने, तो पहले ही जवाब में करना ना भैया वो वहां पर बहुत वो ये सब गुंडागर्दी वाला जगह है, हम नहीं जाएंगे, लोग आना ही नहीं चाहते थे। आज लोग सामने से बोलते कि चलो यूपी में शूटिंग करते हैं, तो इतना सुरक्षित बना दिया मेरे प्रदेश को। और उसके अलावा जब पूरे हिंदुस्तान में शूटिंग बंद हो गई, खुद योगी आदित्यनाथ जी आते हैं मुंबई में और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, सिर्फ भोजपुरी को नहीं, पूरी इंडस्ट्री को न्योता देते हैं कि आप आइए हमारे उत्तर प्रदेश में शूटिंग कीजिए, हम आपको सब्सिडी भी देंगे और सुरक्षा भी देंगे जी। वैसे मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी, आप सबको बता दूं अयोध्या में है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से बात कर रहे हैं, और बात हो रही थी गानों की, फिर बात आई राजनीति की, फिर योगी जी की, आगे शायद मोदी जी की भी आए। वैसे मुझे एक चीज याद आई दिनेश जी कि अभी हाल ही में खेसारी लाल यादव ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है जी, आधिकारिक तौर पर इसे नहीं कह रहे हैं कि भाई किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन अखिलेश जी के साथ उनकी फोटो हुई और ये कहा जा रहा है कि इस साल चुनाव में, मतलब अगले साल चुनाव में वो प्रचार करेंगे समाजवादी पार्टी का, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद ज्वाइन भी कर ले कहीं से चुनाव भी लड़े। आपको लगता है कि खेसारी लाल के सपा ज्वाइन करने से योगी जी के इस पूरे कैंपेन पर किसी तरह का असर पड़ेगा, उन्हें कोई नुकसान हो सकता है? क्योंकि बहुत बड़ा नाम अब खेसारी लाल यादव भी है सिनेमा का, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी है उनकी जी। पहली बात तो योगी जी के मिशन पर, हाँ मिशन पे कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा कि खेसारी लाल यादव जी अगर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं जी, और ज्वाइन करने के बाद इतनी भी हिम्मत नहीं कि कहने कि मैंने ज्वाइन किया है जी आधिकारिक तौर से जी, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी कर पाएंगे।
मेरा कहना है कि जो करो छाती ठोक के करो और बोल के दिखाओ कि हाँ मैं इनके साथ खड़ा हूं, मैं तो पता चलता है कि आदमी यार कोई दमदार आया है, ये तो प्रभाव डालेगा। जो आदमी जब इतना भी नहीं कह पा रहा है कि हाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है, वो क्या क्या असर डालेगा बताइए आप मुझे। नहीं तो हो सकता है वो सही समय का इंतजार कर रहे हो, या हो सकता है कुछ चीजें और भी हो जिन्हें समय देना चाहते हो, लेकिन उन्होंने इतना जरूर है। अखिलेश जी ने भी उनकी फोटो डाली सोशल मीडिया पर, फोटो डाली तो कितनी छीछा ले दर होगी वो भी आपने देखा होगा शायद। ये क्या हुई ये नहीं पता, क्या बताइए। हाँ जिस दिन उन्होंने ज्वाइनिंग किया था उस दिन पूरा चला था ट्विटर पे कि ये बात अब देखिए अखिलेश जी को समझ में आई, क्योंकि मैंने मुझे लगता है कि 5-6 महीने पहले ही गाना एक गाया था जी कि होली में सूचना जारी बा अन्नी रहुआ से बढ़िया खेसारी बा। अच्छा तो ये बात पूरे हिंदुस्तान में किसी को समझ में नहीं आई जी, सिर्फ अखिलेश यादव जी को समझ में आई कि भैया निरहुआ से बढ़िया तो खेसारी बा, तो खेसारी को ले आते हैं। हाँ निरहुआ का तोड़ खेसारी है, खेसारी बा तो अब निरहुआ का जब तोड़ खेसारी है, खेसारी को लेके आए हैं कि निरहुआ में निरहुआ जब तो राजनीति में आए पर वो खेसारी तैयार ही नहीं हो रहा है बताने को कि हम आ गए हैं, तो बताने को तैयार हो तब तो मजा है कि हाँ भाई सामने वाला ताली ठोक के आ रहा है कि हाँ मैं हूँ सभा में, मैं जैसे छाती ठोक के बोलता हूँ ना कि हाँ मैं हूँ बीजेपी में, आप मेरी फिल्म देखो मत देखो फर्क नहीं पड़ता, हूँ बीजेपी में तो बीजेपी में हूँ, इतना दम भी तो चाहिए बोलने का। नहीं आपको ऐसा क्यों नहीं लगता दिनेश जी कि जैसे वो उनके ज्वाइन करने से सपा, आप ये तो मानते हैं कि फैन फॉलोइंग होगी, जैसे निरहुआ की रैलियों में इतनी भीड़ होती है तो खेसारी की रैलियों में बहुत सारी भीड़ होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, उनमें हो सकता है 10 करोड़ हो जाए, मुझे नहीं पता क्या होगा जो भी होगा, लेकिन आपको ये क्यों नहीं लगता कि उससे कोई मिशन पर असर पड़ेगा, या कम से कम एक यादव चेहरा जो बीजेपी के निरहुआ है वो खेसारी लाल यादव हो जाएगा और उसका एज ए स्टार कैंपेनर यूज करेंगे आप दिनेश जी। ये तो तब होगा जब वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं आ गया। आप एक बार उनसे पूछिए भाई बोलिए आप आ गए तो, क्योंकि चुनाव नजदीक है जी, चुनाव आ रहा है सर पे है और आप ये अभी तक बोल ही नहीं पा रहे हो कि हाँ मैं हूँ, तो क्या असर पड़ेगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा और जब जिस दिन वो मान लो ज्वाइन करेंगे तो आपके राजनीतिक विरोधी हो जाएंगे, फिर निरहुआ हमलावर होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे, क्यों हमलावर होंगे, मेरे घर में मेरे भैया सपा में है, मैं बीजेपी में हूँ, तो राजनीतिक विरोध नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, वो उनकी देखिए सबकी अपनी अपनी इतनी छूट होनी चाहिए हर इंसान को लोकतंत्र में कि आपको जो अच्छा लगता है आप करो, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूंगा। अब वो मेरे भाई हैं तो ऐसा थोड़े कि वो सपा में चले जाएंगे तो मेरे दुश्मन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो उनकी सोच है कि इस प्रदेश को इस देश को कौन अच्छा चलाएगा, वो उनके साथ है। मुझे जो लगता है कि इस देश को सबसे अच्छा जो चला रहा है, इस प्रदेश को जो सबसे अच्छा चला रहा है, उनके साथ में। अमर सिंह ने भी उसके बाद ज्वाइन कर ली भोजपुरी गायकों की, जो अब बहुत सारे कतार है शायद इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो सपा की तरफ जा रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं दिनेश जी, क्योंकि दूसरा नाम मैंने समर सिंह का भी लिया। बहुत अच्छी बात है, देखिए जाना भी चाहिए, मैंने पहले ही समाजवादी पार्टी में जाना चाहिए आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जहाँ आपकी सोच मैच होती है वहां जाना चाहिए जी, अगर आपकी सोच मैच हो रही है तो आप जाइए, ठीक है, आपको लगता है कि ये सही है आप उनके साथ खड़े हो जाइए, मुझे तो सही लगता है मैं खड़ा हूं। चलिए दिनेश जी अगले साल चुनाव में निरहुआ की क्या जिम्मेदारियां हैं, 2022 जो मिशन है उसके लिए बीजेपी की तरफ से निरहुआ का क्या निरहुआ की क्या तैयारियां, साथ ही साथ क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं या दी जाने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं ना स्वयं सेवक हूं जी, आरएसएस वाले नहीं, स्वयं सेवक संघ नहीं, मैंने जी मैंने कहा मैं स्वयं जी, मैं स्वयं से अपनी सेवा देता हूँ, ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी मुझे कोई जिम्मेदारी दे ना दे, मुझे कहे ना कहे, पर मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश की सबसे सही पार्टी है जो इस देश के हितों के लिए काम कर रही है, तो मैं स्वयं से उनके लिए खड़ा रहता हूँ और हमेशा खड़ा रहा जी। निरहुआ फिर से चुनाव वो समय बताएगा, क्योंकि देखिए पहले मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, आप मुझसे कई बार पूछते थे तो मैं यही कहता था कि मैं जीवन में नहीं जाऊंगा, राजनीति में नहीं जाऊंगा, पर मैंने जब देखा कि पूरा देश चाह रहा है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और मेरे प्रदेश में उनको ऐसे महागठबंधन बना के रोकने की कोशिश हो रही है, मैं आ गया मैदान, तो कभी ऐसा फिर से लगा मुझे कि मेरी जरूरत है मैं तो भिड़ जाऊंगा, नहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं जो कर रहा हूँ वो तो
अच्छा कर रहा हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं। अचानक मतलब जिस तरह से आपने कहा कि भाई अचानक जब आपको लगा कि भाई मुझे बीजेपी में जाना चाहिए, और आपको शायद लगा कि अच्छा विरोध का अच्छा विकास हो रहा है देश का, तो मुझे अपना सहयोग देना चाहिए, कभी ऐसा निरुभा को लग सकता है अखिलेश जी के बारे में भी कि भैया अखिलेश जी जो है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें भी सहयोग देना चाहिए? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा था आपको, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि अखिलेश यादव जी अच्छे नहीं है, वो अच्छे हैं, पर योगी जी बहुत अच्छे हैं। अब इसको मैं आपको समझाऊं कैसे। अखिलेश यादव जी ने एक डिसीजन लिया था कि वो अपने पार्टी में किसी अपराधी को, किसी गुंडे को, किसी माफिया को टिकट नहीं दे। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब ये डिसीजन इनका नंबर वन है और ऐसा ही होना चाहिए, पर ये सिर्फ उन्होंने सोचा, वो कर नहीं पाए जी। उनकी ही पार्टी टूट गई, उनकी ही पार्टी, उनके चाचा अलग हो गए, उनके पिताजी अलग हो गए, पूरी पार्टी बिखर गई। भाई जिन गुंडे माफियाओं के दम पे हम पार्टी चला रहे हैं, तुम उन्हीं को निकाल रहे हो, तो वो नहीं कर पाए। अगर वो करते तो वो उस दिन मेरे हीरो थे जी, मैं उनको उस दिन अपना हीरो समझ रहा था कि ये सही डिसीजन है इनका कि मैं किसी गुंडे माफिया और किसी अपराधी को टिकट नहीं दूंगा। तो ये सोच उनकी मुझे अच्छी लगी और मैं कहता हूँ कि वो अच्छे हैं। बीजेपी में सारी शायद सभी के लोग नहीं है। नहीं, मैं पहले ये तो पूरा कर लेते हैं। ठीक ठीक चलो। पर वो जो सोच रहे थे उसको करके किसने दिखाया? किसने दिखाया? योगी जी ने दिखाया। योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश से माफिया हो, चाहे वो बहुत बड़ा सरगना हो, चाहे बहुत बड़ा बाहुबली हो, सबको घुटने पे लाके खड़ा कर दिया, जेल में बिठा दिया, और जो नहीं सुधरे वो फिर कहीं और इसी घर गए। तो मुझे लगता है कि जो काम वो नहीं कर पाए वो भी अगर ये कर रहे हैं तो ठीक है, अखिलेश जी अच्छे हैं, पर योगी जी बहुत अच्छे हैं, तो हमको बहुत अच्छा चाहिए, सिर्फ अच्छा से काम नहीं चल पाएगा जी।